अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। आई लव पाकिस्तान। माशाल्लाह। उमर सुडान। सारे देखे हाथ जोड़ के अपील है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अच्छा तुसी पिछले दिन है ना एक व्लॉग मैं अपलोड किया है जिस वे मैं दसा गया हूँ कि मैं पाकिस्तान तू मस्कत अलहमदुलिल्लाह खैर खरीयत नाल पहुँच चुका। सब तो पहले तो मैं इत्थे पहुँच के जे मेरी फीलिंग हैं जेड़े मैं इत्थे दे लोग वेखे जेड़े मैं इत्थे दे माहौल वेख्या वो बयान करेना। सब तो पहले तो मैं ना जिस टाइम उतो मैं दोस्त कजन वगैरह रवाना करन आए अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी दिल में अजीब फीलिंग आई। मैं बिल्कुल ब्लैकमेल हम इमोशनली ब्लैकमेल इस वास्ते लफज यूज कर रहा क्योंकि सारे दोस्तों के कजनों के मेरा ही स्टेटस लगा है। मैं वो मतलब इंटर हो रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर ना मेन दरवाजे जिथे बंदे दूसरे नहीं अगर जान देते सिर्फ मैं ही मांग सकता उस जगह पर ना इंटर हो रहा अगू ना वीडियो हर बंदे मेरे कजन ने बनाई है तो ना पीछे गाना लगा ही सरेकी दे ना छोड़ थी रवाना तै याद आवने ये गाना लगवाए तो बड़ा मैं वेख के तेना बड़ा जहर है यार। दो तीन साल की जुदाई और मैं मसला कोई ना ये ना कि मैं उत्थे जलील हो सा उत्थे वहीं के पता नहीं मेरे नाल क्यों सी। मैं टोटली मुतमइन हम जेडे मेरे अगले बंदे मैं बुलावा डाले हैं लेकिन यार मैं इमोशनल इस वजह तो हूँ यार अपने दोस्तों यार तू अपनी फैमिली तू जुदा होना कोई सौखी गल नहीं है। बहरहाल ये जिंदगी दे हालात आंदे रहिंदे बंदे नूं बर्दाश्त करना चाहिए। फाइनली गल है कि मैं जहाज दे विच इंटर हो गया। जहाज दे विच मेरा इंटरनेट चल रहा है पाकिस्तानी सिम दे ना मेरे को नैट वाली डिवाइस है उसते प्रॉपर चल रहे उस दे विच मैं नैट ऑन करके ते व्हाट्सएप पे दा बैठा किसी दा मैसेज आवे हाँ जी खैरियत नाल बह गए हो किसी दा मैसेज आवे सुना किथे अपने अल्लाह दे हवाले अल्लाह तैनू अल्लाह दी अमान होवी ए जिहड़े जुमले हन उस टाइम मैं बिल्कुल तीर दी तरह लग रहे हैं बड़ा ही मतलब रोण आवे बंदे नूं। खैर मेरा उत्थे वाईफाई चलता रहा मैं चला रहा स्टेटस वेद रहा जेड़े जेड़े बंदे लाते गए मैं किसी रिप्लाई घट वत करा मैं एक बड़े भरा अपने रिप्लाई करें ते एक दोस्त बस एक अगले बंदे जो मेरे को पूछ रहा है बस ये त्रै बंदे हालांकि मैसेज ज्यादा आ रहा है लेकिन मैं हर किसी रिप्लाई ना कर रहा क्योंकि यार अगू जहर मैं एक जवाब देंगे अगू होर सवाल करेंगे तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होना लिहाजा मैं उतू अखीरी रवाना हो गया जहाज चल पिया। जिस टाइम जहाज उड्डया ना मेरे राइट साइड दे ना एक मौलवी बंदा बैठा है वो भी ना उन्हें वीडियो कॉल लाई हुई ना छोटी जी बच्ची आई वो अपनी बच्ची नाल वीडियो कॉल फैमिली सी जहर है तो वो भी मैनू लगता है कि नहीं पहली दफा नहीं जा तो पहले भी जाता रही आई लेकिन ना वो भी जुदा होने लगे वो रोंदा बैठा है सज्जी साइड ना बारी के नाल वो बैठा है दरम्यान मैं एक साइड इस साइड की सीट आई यानी त्रै सीटा इस साइड से होंगे जहाज दी त्रै सीटा उस साइड से होंगे त्रै त्रै बंदे पूरी लाइन होंगे ना वाह वाह खैर वो भी रो रहा है तो मैं भी जिस टाइम स्टेटस देखा मेरे अखी चो नमी आ जाए बाहर जल्द जहाज उत्ता उड्डया बाद मैं ना अपना गौरव फिकर जो टोटली जहाज फेर लिया व्हाट्सएप बंद कर दी जल्द जहाज उत्ता उड्डया उल्ले वैसे ही सिग्नल चले गए तो मैं ना वीडियो शीडियो बनावा है ना जिम्मे जहाज उत्ते आ रहा थले जिम्मे मैप में नहीं थ्री डी मैप वेखो ना वो उतु लोकेशन जिम्मे नज़र आती इं सीन नज़र आ रहा है थोड़ी देर बाद जहाज उत्ता बदला ही गायब हो गया। उस तो बाद जनाब मैं यही वेदा रहा उस तो बाद यार होस्टेस आई खाण पीन का समान मिले मतलब ये तुम पिछले सारे व्लॉग ही वेख चुके हो इतने मैं लैंड हो गया इतने मैं लैंड हो गया एयरपोर्ट तो पास हो गया अगू मैं दोस्त आ गया लैके मैं अपनी जगह पर आ गया। ठीक है ये व्लॉग कंप्लीट हो गया हूँ अज का व्लॉग जो इस मैं तुम प्रॉपर दसाव वाला है इतों का माहौल किमें कि जात मैं काम कर रहा किम कर रहा इतों का माहौल कैसा है इतों के लोग कैसे हैं इतने दी गर्मी है सर्दी है बस ये सारा सिस्टम आज मैं तुम दसाना आ जाओ मेरे नाल मैं तुम सब तो पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना उन्होंने बंदियों के नाल जिथे मैं काम कर रहा जो बंदा मैं बुलवावा डाल है जोड़ा मेरा कह रहा हो कि लाहौर का पावा अख्तर लावा है उस बंदे नाल तुम मिलवाना मैं जिस बुलवाया है उसका नाँ है जहद अब्बास। ठीक है वो मेरे दोस्त भी है बड़े उन्होंने तलकदारी रिश्तेदारी है तुम ज्यादातर सारे वेख्यो सी आओ जी मैं तुम मिलवाना खुश रखे तुम भी इतने कामयाब करे इस बंदे नू ना एक साल उत्ते अरसा हो गया इतने रह रहे
इस मैं जिम्मे ला गया कि यार ना तू मेरा काम लाजमी करना है क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस आई इतना मुश्किल आई क्योंकि इससे फील्ड का बंदा आई इस बात मैंने बुलवा लिया जो इस को जरूरत आई। नंबर टू नंबर दो जरा मैं थोड़े नाल तारुफ करवा वो साढ़े सीनियर ने साडे फोरमैन इतने के फोरमैन नहीं मैं बल्कि लफ्ज इस्तेमाल करें ना मैनेजर ने इतने के टोटली हैंड ओवर उन्होंने को साडे पाकिस्तानी भाई हैं सियालकोट के रिहायशी हैं इन्होंने नाँ है जी नबील अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब तो पहले मैं जब इन्होंने वेख्या ना फोटो से वे इन्हों की मेरी मुलाकात कोई नहीं सियालकोट मस्कत एयरपोर्ट से मुलाकात हुई तो मैं वेखद ही आख्या माशाल्लाह चेहरे से कितना नूर है तुसी आप वेखो जी किन्ने प्यारे हैं माशाल्लाह जबरदस्त अगले का कुड़ियों वर्गा मुंडा है। नंबर थ्री तीसरे नंबर से जो बंदा साढ़े नाल काम कर रहा है वो है पाकिस्तान ही नहीं है बहर दे मुल्क दा है सुडान दा सुडान दा है उसने उर्दू पंजाबी कोई नहीं आती हूँ मैं जो भी गीत गाँव बैठा कोई समझ नहीं हालांकि मेरे राइट साइड बैठे लेकिन कोई पता नहीं थोड़ी मुलाकात कराने जनाब इस वैसे माशाल्लाह मुस्लिम है ना है इन्हों का उमर थोड़ी मुलाकात कराने जनाब उमर भाई जनाब तीसरे बंदे का तारुफ कराने जनाब उमर भाई सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। MashaAllah. I love Pakistan. MashaAllah. Umar Sudan. ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਰਫ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਕਤ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਸਕਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੁਰੇਮੀ ਬੁਰੇਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰੇਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਟੋਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਖਹਿਣਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਹਿਣਾ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਖਲੋਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਵੀ ਖਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਸਾਡਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੁਬਈ ਰੋਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰੂ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਦਬਿਆਨ ਬਰਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਾਮ ਇਹ ਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਓਨਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਗੋ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਤਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਗਰੀਆਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਪਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰੰਟ ਇੰਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਨ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਕੱਪ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਏ ਵਗੈਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਬਣੀ ਬੜਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਆਰਮਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲ ਸ਼ੁਆਰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਜ਼ਰ ਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ 7-Up ਡਿਊ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਚਨ ਆ ਜਾਓ ਕਿਚਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟੋਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਰੱਫੜ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਰਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਹੌਟ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹ ਤਵਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ ਬਸ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਓਵਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ
ठीक है बकायदा त्रै फिल्टर लगन बड़ा जबरदस्त पानी मैन बड़ा पसंद है ए पीजी वाला ओवन है छोटा या ए साडे कोल फ्रिज वगैरह पई है जी तुसा साडा सारा रेस्टोरेंट जड़ा है विजिट कर लियो सी लोकेशन वगैरह विजिट कर लियो सी हुन रह गई गल के एथू दे बंदे किवे एथू दे बंदे ज्यादातर ना वर्कर जितने भी हैं ना वो पाकिस्तानी बंगाली सूडानी या इंडियन है इत्थों दे रिहायशी जड़े हैं ना वो कम नहीं करते अरबी जड़े खुद वो कम नहीं करते क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटियां दें दी कम करने की उन्होंने जरूरत ही कोई नहीं होती ठीक हो गया हुण रह गई गल इत्थों दे माहौल की माहौल जड़ा इत्थे दिन गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी दिन तेज धुप आती जिसकी वजह तो ना लोग बाहर कोई नहीं निकलते इत्थे डाइनिंग का काम कोई नहीं होता बंदे आते हैं बाहर गड्डी छारन देना है उतों आर्डर चुकना है पार्सल करके दे देना इतने बह के खाने वाला सीन कोई नहीं लिहाजा असं भी सीटिंग रखी हुई भी कोई नहीं किसी भी कोई नहीं रखी हुई आते हैं बंदे लैके चले जाते हैं क्योंकि इतने गर्मी ज्यादा होती है हूँ तुम सचेंदे पे हो सो भाई ये तो गर्मी तो मर वेंदे हो सन मरण का कोई मसला ही नहीं इतने साढ़े को ए सी लगे हुए हैं जिथे सौंद रिहायश तो इंशाला मैं नैक्सट ब्लॉग बनाया सा उत्थे भी ए सी साढ़ा लगे हुआ है जिथे काम कर रहे हैं एक ए सी ए लगे हुआ है एक किचन दे विच ओ ता वेख रहो ए सी लगे हुआ है ठीक हो गया ए सी के थले हमेशा रह के काम करना था किचन विच भी ए सी है बाकी आप अंदाजा ला लवे तो यह है साडा माहौल इत्थे दे रहण दा बंदे भी तुहानू मिलवा छोड़े बड़े अलहमदुल्ला कोऑपरेटिव स्टाफ है कोई मसला नहीं साडा अरबाब जिहड़ा है मालिक यानी कि वो बड़ा जबरदस्त इंसान है और बड़ा प्यारा इंसान है जिवें साडा मैनेजर पप्पू बच्चन आई इंज यार साडा अरबाब भी पप्पू बच्चा है ठीक है बड़ा प्यारा बच्चा है माशाला आह एक गल आखिर ते मैं एक और करना भुल गया मुहर्रम उल हराम नू अज पहली है सारे दे अगे हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा मुहर्रम दा लाजमी तुसी लाजमी मुहर्रम दा एहतराम करना ठीक है यार बाकी सारे काम पूरे साल बंदा करेंदा रहंदा है कोई मसला नहीं कम अज कम सानू मुहर्रम दे विच एहतराम करना चाहिए है नमाज वगैरह इबादत वगैरह करनी चाहिए मौला दे जिक्र नू सुनना पढ़ना चाहिए है जदा मौला दा जिक्र करिंदा है तो माशाला चेहरे ते भी नूर होंदा है बंदे नू दिलू सुकून मिलता है तो मेरी यह इल्तमास याद रखनी है मुहर्रम उल हराम दा लाजमी ख्याल रखना बस ए छोटी जी स्टोरी है सी गरीब खाने की उम्मीद करें कि तुहानू साडी वीडियो पसंद आई होसी अगर साडी वीडियो पसंद आई साडे चैनल नू सबसक्राइब करे सो फेसबुक ते वेख रहे हो तो पेज नू फॉलो करे सो इनशाला नैक्सट अगर तू रोज़ाना तुहानू इस तरह के ब्लॉग मिलते रह सकते इनशाला मिलते हैं नैक्सट वीडियो उदों तक सानू इजाजत दियो अल्लाह हाफिज़।